औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 5 किलो देगी चावल बनाएंगे सब्जियों डालकर। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैंने आयल डालूंगा, 1 किलो आयल डालूंगा, 5 किलो जो है ना चावल हमारे। खड़ा मसाला डाल देंगे, इसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, ये इसके अंदर चले जाएगा। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया मैंने, 2 चम्मच भर के जो है ना ज़ीरे के मैंने डाल दिया। असल मसाला बाद में डालूंगा, जब चावल जो है हमारे पानी डालकर जो है ना वो बॉयल आएगा, उस वक्त मैं डालूंगा चावलों में। तो अभी आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर देता हूं ताकि आयल हमारा जोश ले ले। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। वो दोनों ये चीज़ें आधा आधा पाव हैं, लहसुन भी आधा पाव और अदरक भी आधा पाव, ये इसके अंदर चले जाएगा। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जब हल्का हल्का ब्राउन होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क नहीं करना, जब हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगा प्याज। अल्हम्दुलिल्लाह, चूल्हे की आँच मैंने ना अभी फुल की हुई है। 5 किलो पुलाव बनेगा, देगी पुलाव, वेजिटेबल डालूंगा बीच में। आज मैं थोड़ा सा अलहदा तरीके से आपको सिखाऊँगा। पहले जो मैंने बनाई थी वो मैं और तरीके से मैंने बनाई थी, आज मैं और तरीके से आपको सिखाऊंगा। लहसुन अदरक हमारा जो जहां हम चाहते थे हल्का हल्का ब्राउन हो, वो हो गया। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने आधा किलो लिए हैं इसके लिए, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि प्याज का इसमें जायका नहीं आता। लेकिन प्याज इसलिए डालते हैं कि क्योंकि हमारी खुराक में प्याज का होना ज़रूरी है, तो उसके बगैर काम नहीं चलता। ना भी डालें फिर भी चलेगा, लेकिन मैंने आधा किलो प्याज डाल दी। इसको बिल्कुल सौते करेंगे, इसको सुरख नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपनी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों में मैंने गाजरें ली हैं, मटर लिए हैं, बंद गोभी ली है, फूल गोभी ली है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह जाएंगी। प्याज हमारे जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, अभी मैं डाल दूँगा प्यारी सी सब्जियाँ, बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत कलरफुल। तो ये अभी डालूँगा मैं इसके अंदर सब्जियाँ, सब्जियाँ डाल दी मैंने, इसको करते हैं मिक्स। थोड़ा सा सॉफ्ट होने जाते हैं, फिर पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। पुलाव में जो जायका आएगा सब्जियों में, वो आएगा काली मिर्च का। तो मैंने इसके अंदर 5 किलो के अंदर 3 चम्मच जो है ना वो डालूंगा काली मिर्च। काली मिर्च चलेगी इसके अंदर 3 चम्मच के करीब। और अभी इसी के साथ मैं डाल दूँगा नमक। नमक का होना बहुत ज़रूरी है, नमक के बगैर तो पुलाव बनता ही नहीं है, बल्कि तमाम सब्ज़ियाँ नहीं बनती। जो भी चीज़ बनाएँ तो हमारी खुराक का एक हिस्सा नमक, वो मैंने 5 चम्मच डाले इसके अंदर। इसको मिक्स कर देते हैं। सब्ज़ मिर्च मैं डालूंगा जब पानी को बॉयल आएगा, क्योंकि अभी मैं जब आयल के अंदर सब्ज़ मिर्च डाल दूंगा तो वो उसका जायका ख़त्म हो जाएगा, तो उसका जायका आता है पानी के अंदर। अभी मैं डाल देता हूं पानी ताकि हमारी सब्ज़ियाँ गल जाएँ। ऊपर से ढाँप दूँगा ताकि हमारी सब्जियां जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। ज़्यादा बिल्कुल फुल नहीं गलानी, 80% गलानी हमें, 80% 20% चावलों में हो जाएंगी, 80 हो जाए, 70% हो जाए, वो इंशाल्लाह इसमें अंदर तैयार हो जाती है बिल्कुल। जब बॉयल आता है तो मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगा। अभी इसको ढांप देता हूँ। 3 चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगा ताकि जो थोड़े स्पाइसी हो जाए, हमारा जो पुलाव हुआ थोड़ा स्पाइसी हो जाए, खाने में मज़ा आए, बगैर जो है ना रायते हो या सालन हो, शोरबा उसके बगैर भी खाया जाए। अभी मैं डालूंगा इसके अंदर सब्ज़ धनिया, वो सब्ज़ धनिया चले जाएगा खुशबू के लिए। सब्ज़ धनिया की एक अपनी खुशबू होती पुलाव में, वो इसके अंदर सब्ज़ धनिया चले जाएगा। अभी मैं डालूँगा सब्ज़ मिर्च, वो मैंने 10-12 ली थी सब्ज़ मिर्चें, वो इसके अंदर डाल दी मैंने। और सब्ज़ी के तकरीबन 60-70% गल जाने का इंतज़ार करते हैं, फिर डालेंगे चावल इसके अंदर। सब्ज़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 60% तक जो गल गई हैं, अभी मैं डालूंगा इसके अंदर गर्म मसाला। गर्म मसाला इसके अंदर चले गया, जिससे इसका जायका बनेगा। और इसको एक दफ़ा हिलाता हूँ और अभी डाल दूँगा इसके अंदर चावल। चावलों को मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रखा था, 3-4 दफ़ा मैंने इसको वाश किया, बिल्कुल इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह था वो निकाल दिया। बासमती चावल हैं कायनात के,
अच्छे ग्रेन वाले, लंबे ग्रेन वाले वो लिए थे मैंने, वो इसके अंदर डाल दूंगा। यहाँ जो है आपने नमक चेक करना है, कम हुआ तो और डाल देना, अगर पूरा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर। अभी दम दे देंगे, 20 मिनट के लिए दम देंगे। चावल हमारे इंशाल्लाह देगी पुलाव ज़बरदस्त तैयार। ऊपर रख देंगे वज़न, दो ईंटे रख देते हैं ऊपर ताकि बाहर ना निकले, और मिलते हैं 20 मिनट के बाद।